तो बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 20.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये रहा आपका कोन, ओके, और ये है इसकी स्लेंट हाइट, इसको रिप्रेजेंट करोगे एल से, ओके, और ये है आपकी हाइट कोन की और ये है रेडियस ऑफ दिस कोन। तो जो भी आपको गिवन है उसको आप यहां पर लिख लेंगे। स्लेंट हाइट आपको गिवन है तो सबसे पहले आप लिख लेंगे L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद आपको रेडियस भी गिवन है, ओके, रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो ये टोटल आपका बेस है, ओके, लेकिन आपको रेडियस गिवन है, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल, ओके, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल, ओके, या फिर आप एक साथ लिख सकते हैं पाई आर एल, ओके। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे 22/7, आर का वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे 21, एल का वैल्यू आप रख देंगे 60, ओके, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द रेडियस ऑफ ए कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो बच्चों आपको यहां पर भी फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। जिस तरीके से आपने फॉर्मूला यूज किया था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वैसे ही आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि आपको यहां पर स्लेंट हाइट गिवन नहीं है, क्योंकि जब आप लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ता है पाई इंटू आर इंटू एल, ओके, और एल का वैल्यू आपको यहां पर गिवन नहीं है, तो L का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी आपको गिवन है, ओके, आपको गिवन है रेडियस, ओके, इसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसके बाद आपको गिवन है वर्टिकल हाइट, ओके, H का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए L का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहां पर यूज करना है एक छोटा सा फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है, तो आपको सिंपली वैल्यूज को पुट करना है, ओके, यहां पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, यहां पर आप लिखेंगे 25 प्लस 144, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 169, ओके, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां से आपने निकाल लिया है L का वैल्यू, दैट मीन्स स्लेंट हाइट, ओके। अब आपके पास R का वैल्यू है और L का वैल्यू है, ओके, सिंपली आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल, ओके, दैट मीन्स 22/7, आर का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 13, ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
द रेडियस ऑफ ए कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द स्लेंट हाइट. ओके, तो इस बार बच्चों आपसे पूछा है स्लेंट हाइट. ओके, तो जो भी आपको गिवन है सबसे पहले आप वो लिख लें. ओके, आपको गिवन है रेडियस, रेडियस का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर. ओके, 7 सेंटीमीटर. इसके बाद आपको एरिया भी गिवन है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपको गिवन है. ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको फाइंड करना है स्लेंट हाइट, तो सबसे पहले आप यहां पर लेट कर लेंगे, लेट दिस स्लेंट हाइट इज योर एल. ओके, दिस एल बी द स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, ऑफ अ कोन. ओके, यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, इसके बाद आपको सिंपली जो फॉर्मूला है उसमें इन सभी चीजों को अप्लाई करना है. ओके, आपका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. ओके, तो सिंपली देखिए यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है. ओके, आर का वैल्यू भी आपको गिवन है. ओके, तो यहां से आप एल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 176 इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू आर. ओके, आर का वैल्यू 7 है, इंटू एल. ओके, एल का वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो ये 7 से ये 7 आपका कैंसल आउट हो जाएगा. ओके, इसके बाद आप सिंपली यहां पर देखिए इन दो वैल्यूज को 11 से सॉल्व कर सकते हैं. 22 आता है 11 की टेबल में 2 टाइम्स पर. ओके, और 176 आता है, देखिए ये आपका जाएगा 17 पर. ओके, इसके बाद 6 आपका यहां पर आ जाएगा. ओके, ये बन जाएगा आपका 66, दैट मींस ये हो जाएगा आपका 16. ओके, देन फर्दर आपका 16 8 टाइम्स जाएगा. ओके, तो अल्टीमेटली जो एल का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. द हाइट ऑफ ए कोन इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस इफ द स्लेंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर. तो जो भी आपको गिवन है सबसे पहले आप लिख लें, स्लेंट हाइट आपको गिवन है. ओके, दैट मींस एल का वैल्यू आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर. ओके, इसके बाद हाइट भी गिवन है कोन की. ओके, दैट मींस एच का वैल्यू आपको गिवन है. ओके, 21 सेंटीमीटर. अब आपसे पूछा गया है, बच्चों ध्यान देना, आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द बेस. तो बच्चों ये आपका कोन है. ओके, अब यहां पर देखिए जो इसका बेस है ये कैसा है, सर्कल की फॉर्म में है, और जो सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर. कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. तो आपको यही निकालना है. अब देखिए पाई आर स्क्वायर के लिए आपको r का वैल्यू मालूम होना चाहिए, और यहां पर कहीं भी r का वैल्यू आपको गिवन नहीं है. अब देखिए ये जो आपका कोन है ये कैसा है, राइट सर्कुलर कोन. इसका सिंपल सा मतलब है कि देखिए ये जो एंगल बनता है h और r के बीच में ये बनता है 90 डिग्री का, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन. ओके, अब जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यहां पर ये आपका कैसा होता है, हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगा, जो स्लेंट हाइट है. ओके, तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. किस तरीके से, देखिए अब आप यहां पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब आपको फाइंड करना है आर का वैल्यू. तो आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एच को आपको इधर भेजना पड़ेगा. ओके, तो आपका ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ओके, और आपको निकालना है आर का वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट. ओके, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ओके, अब आपको एल और एच का वैल्यू गिवन है. ओके, एल और एच का वैल्यू गिवन है, तो सिंपली आपको वैल्यूज को पुट करना है. एल का वैल्यू देखिए 28. ओके, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे माइनस एच स्क्वायर.
ओके, तो 21 का करेंगे। ओके अब बच्चों इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके अब देखिए 28 का स्क्वायर होता है आपका 784, ओके, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ओके अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपका यहां पर आएगा 343। बच्चों इसके बाद आप इस वैल्यू को यहां पर सॉल्व कर लेंगे। ओके दैट मीन्स आर का वैल्यू हो जाएगा 7 × 7 × 7। ओके 343 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके इसके बाद देखिए एक पेयर को आप बाहर निकाल लेंगे। ओके तो ये जो वैल्यू होगा आर का वो कितना हो जाएगा 7 × √7। ओके सो दिस इज द वैल्यू फॉर द आर। नाउ यू कैन फाइंड एरिया ऑफ बेस। ओके तो सबसे पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके अब देखिए आप यहां पर लिखेंगे 22/7। अब जो आर का वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। आर का वैल्यू कितना है 7 × √7 का होल स्क्वायर। ओके इसके बाद आप यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 7 को आप दो बार लिखेंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, और यहां पर देखिए अंडर रूट का आप स्क्वायर करते हैं अंडर रूट 7 का, तो यहां पर एक सिंगल 7 आ जाएगा निकल के। ओके अंडर रूट 7 को 7 क्यों लिखेंगे, देखिए अंडर रूट 7 को आप लिख सकते हैं 7 raised to the power 1/2। ओके और यहां पर 2 एक पावर ऑलरेडी है। ओके तो यहां पर 2 पावर होगी मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स पावर आपकी 1 हो चुकी है, तो यहां पर सिंगल 7 आ जाएगा। ओके तो इसलिए हमने यहां पर 7 लिखा है, और यहां पर एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहां पर लिखेंगे 22 × 7 × 7 आपका हो जाएगा 49। ओके तो फाइनली आपका जो आंसर होगा आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 1078 cm². ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।